भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय में जाति प्रमाण पत्र व आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर प्रखंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर दानिश द्वारा रुपए मांगने की घटना के बाबत जमकर बवाल मचा। आदमपुर भागलपुर से आए शंकर कुमार ने बताया कि कई दिनों से जाति व आवासीय प्रमाण पत्र के लिए दौड़ रहे हैं और यहाँ क्लर्क रोज रोज बहानेबाजी कर रहा है। अंचलाधिकारी के द्वारा आवेदन फॉरवर्ड करने के बावजूद क्लर्क कागजात देने में आनाकानी कर रहा था और कहा कि सिर्फ कागज नहीं पैसे का चढ़ावा तो तब प्रमाण पत्र दूंगा। वहीं क्लर्क दानिश ने बताया कि युवक बीजेपी का नेता बताकर धौंस जमा रहा था। आवेदक के हंगामे के बाद प्रखंड कार्यालय में अफरा तफरी की स्थिति मच गई है। वहीं मौजूद कई लोगों ने बताया कि प्रखंड कार्यालय में बैकडोर से काम होता है, बिचौलिए यहाँ खूब दलाली करते हैं और इस संबंध में अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। मोटेशन के नाम पर भी यहां लोग परेशान रहते हैं। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि यह कोई विशेष बात नहीं है, युवक का काम हो गया है। बिहार न्यूज प्रतिदिन के लिए भागलपुर से आशीष कुमार की रिपोर्ट। क्या मामला क्या है? अरे जाती आवासीय इनकम प्रमाण पत्र पैरवी करके थी काम बोले सर करा दोगे, मतलब बोले सर निकाल दीजिए, काम है बच्चा लोग का स्कूल का काम है। अब उसके पास सर लिख दिए बेचारा, लिख के दे दिए कि जाइए उनके पास निकाल देगा। अब वो कह रहा है कि माल दीजिए, बिना इसे के नहीं होगा। हम बोले देखिए भाई कौन सी नाम है दानिश, माल दीजिए, बिना माल का नहीं होता है। हम बोले हम लोग अभी तुरंत इतना हल्ला कर रहे हैं, आप लोगों को गलत लग रहा है क्या? भीतर में गए थे अभी उसके पास कार्यालय में गए थे, काम हो गया है। अभी सीओ साहब फिर डांटे हैं, तब आप लोग देखिए रहे भीड़ लगा, तब कागज लिया बोला निकाल के देंगे। ये धांधली होगा तो गरीब तो मर जाएगा ना, कहता मतलब की अपना काम बनता भाव में जाए जनता, गरीब का उधार क्या। शंकर प्रसाद गुप्ता बड़ी खंजरपुर।